हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं यहाँ ठीक हूँ। जैसे कि बारिश के दिन चले हुए हैं तो मुंबई में सुबह उठते ही बारिश थी, और वो भी बहुत तेज़ वाली बारिश। आज का व्लॉग आप देखते रहिए, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे सुबह सुबह चल पड़ी है तेज़ बारिश, और हमारा प्लान है बाहर जाने का, तो आपको भी बारिश दिखा देती हूँ सुंदर सी, आपका मन भी खुश हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, और मेरे यहाँ पे सुंदर सी बगीची देख लें, प्यारे प्यारे फूलों से खिला हुआ मेरा बालकनी गार्डन। हाँ जी, तो जैसे कि ब्लॉग की शुरुआत बारिश से हुई है, सुंदर से नज़ारे के साथ में हुई है, तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ये सैटरडे का ब्लॉग है जो कि मैंने बनाया था। और यहाँ सुबह धुआंधार बारिश के दर्शन आपको करा दिए हैं मैंने, और इस धुआंधार बारिश के चलते चलते मैंने बना लिया यहाँ पे चाय। सुबह सुबह ज़रूर चाहिए एक चाय, साथ में ब्रेकफास्ट में है आज पोहा बना, सिंपल पोहा बना है, जैसे भी बटाका पोहा बना है, और हमने नाश्ता कर लिया है सुबह 9:30 बजे। तो आज सैटरडे का दिन है तो हल्का फुल्का नाश्ता बना लिया मैंने, कुछ फ्राई नहीं बनाया है क्योंकि हमारा जो मूड है वो थोड़ा सा डिफरेंट। जा रहे हैं डीमार्ट, ग्रोसरी लेनी है, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी अच्छे से, और चलते हैं फिर ग्रोसरी लेने के लिए। पिछले महीने भी नहीं गए थे, लास्ट मंथ आई थी जून में, जुलाई में हम लोग गए नहीं। तो आज मैंने वेयर किया है अपना शर्ट डेनिम का। जैसे कि मुझे डी मार्ट भी जाना है, तो मैंने सारी के सारे बैग्स इकट्ठे कर लिए हैं, और हंस भी रहा था मेरा बेटा, तो हम चल पड़े हैं ऑटो में। और आपको नवी मुंबई का नज़ारा दिखाते हुए चलूं, जिस तरफ भी जाएंगे आपको पहाड़ और सुंदर सुंदर नज़ारे मिलेंगे, एकदम ग्रीनरी मिलेगी। आप कहीं भी निकल जाओ आपको बहुत ही अच्छा लगता है। नवी मुंबई में ऐसा लगता है कि हम हिल स्टेशन पे हैं, और बारिशों के दिनों में तो कहने ही क्या। तो अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल सीन के साथ में आप भी चलिए हमारे साथ में सैर करने के लिए। बढ़िया से नज़ारों के साथ हमारी माँ बेटे की बहस भी चली रहती है, और हम लोग मजाक भी करते रहते हैं। जैसे कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया था, लंच हमने किया नहीं, और टाइम बजने लगा है 4:30 शाम को, बारिश की वजह से लेट हो गए, तो हम लोग सीधा आ गए हैं रेस्टोरेंट पॉप टेट्स में। तो यहाँ मैं पहली बार आई हूँ खाना खाने के लिए, तो मेरे बेटे ने बताया था कि बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ पर, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर ऑर्डर हो गया है, हमारे 2 ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, बहुत अच्छा वाला इटालियन पिज़्ज़ा। तो यहाँ रेस्टोरेंट बड़ा सुंदर है, खूबसूरत है, आप भी देख लें, एकदम बढ़िया है। और बेलापुर में खाने पीने का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में हैं यहाँ भी। वैसे तो पूरी मुंबई में बहुत ही अच्छी अच्छी जगहें आपको मिल जाएंगी खाने पीने की, डिनर की, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर हमने मंगाया है पिज़्ज़ा, और ये आपको दिखाती चलूँ यहाँ की सीनरीज वगैरह, तो जो कि मुझे बहुत पसंद आती हैं और अच्छी भी लगती हैं, तो मैं शूट करना नहीं भूलती। तो यहाँ मैंने मंगाया था जामुन मोहितो, तो यहाँ पे
आपको दिखा दूं कि कलर कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे थे और मुझे ये बहुत ही पसंद आते हैं। आजकल कहीं भी जाएंगे आपको ज़रूर रेड और येलो का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सेम ही था, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ड्रिंक आ चुका हमारा फर्स्ट, तो हम लोग पहले ड्रिंक इंजॉय कर रहे थे। ड्रिंक भी बहुत ही अच्छा था, तो मुझे पसंद आया यहाँ का। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आप कभी भी जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, तो आप ये ज़रूर देख लें कि वहाँ की क्लीनिंग कैसी है। तो क्लीनिंग तो बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ पे देखिए आ चुका है मेरा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा भी बहुत ही मस्त वाला दिख रहा था, अभी तक तो दिख रहा है अच्छा है। और टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो हाँ जी, यूट्यूबर होने के नाते थोड़ा सा शॉर्ट वगैरह लेना तो बनता ही था, तो वो शॉर्ट्स वगैरह बना लिया मैंने। बहुत ज़्यादा नहीं बनाया मैंने बाहर, और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ट्राई किया। पिज़्ज़ा का टेस्ट एकदम बहुत ही बढ़िया था। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद साथ ही है हमारे है डी मार्ट, कुछ ही दूरी पे था, तो हम डी मार्ट भी आ गए हैं शॉपिंग के लिए। आज डी मार्ट का पिज़्ज़ा ना खा के पॉप टेट्स का पिज़्ज़ा ट्राई किया है। तो काफ़ी रश था सैटरडे को, इतना रश मैंने नहीं देखा। हम ज़्यादातर संडे को आते हैं, कभी कभी सैटरडे को आते हैं, लेकिन आज इतना ज़्यादा भीड़ थी। त्यौहार चले हुए हैं, अभी पूरे त्यौहार आ जाएंगे महाराष्ट्र में, जैसे कि सबसे फर्स्ट आएगी 15 अगस्त, राखी आएगी, फिर जन्माष्टमी आएगी, फिर बप्पा आ जाएंगे। तो इस तरह लोगों की शॉपिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही भीड़ थी। जहाँ भी जाओ वहाँ पे भीड़ ही भीड़ थी। तो हमने नक्की किया कि हम बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे और जल्दी जल्दी लेके फिर निकल जाएंगे, और जो भी ज़रूरत का सामान, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेंगे। फिर भी काफ़ी टाइम लग गया था अंदर मुझे। तो हाँ जी, फिर ऑटो करके हम लोग आ गए थे घर पे, और सीधा घर पे आने के बाद टाइम देखा तो 7:45 हो चुके थे, यानी कि काफ़ी टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने ग्रोसरी को इधर पूरा साइड में रख दिया है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। 8 बजे घर पहुँचे हैं। निकले भी काफ़ी लेट थे ना, अपन 4 बजे निकले थे ना। अभी फ्रेश होके यहाँ पे सारा सामान रख दिया है मैंने, इसको सुबह अभी दिखाऊंगी आपको क्या क्या लेके आए हैं मॉम भी। चेंज कर लेते हैं चल के। अभी चेंज करके फेस वॉश कर लिया है, अभी पीऊँगी एक चाय क्योंकि बहुत थक गई, और चाय के बगैर तो मज़ा नहीं आता। बाहर चाय नहीं पी, खाना खाया था हमने लेट आज, और खाना तो इस वक्त कुछ बनने वाला नहीं है। यहाँ पे रखती है चाय मैंने, और यहाँ गर्म कर रही हूँ सुबह वाला पोहा। ये चाहिए मेरे बेटे को, ले लो। लेता है जी, मीठा में मत ना, ऐसे नहीं टेढ़ा रखो उसको। नहीं तो वो खत्म हो गया। थैंक यू। Bon appetit.
बहुत प्यास लग गई थी। तो यहाँ पे चाय में दूध डाल दिया और चाय मेरी बन चुकी है। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पूरी ग्रॉसरी शेयर करूँगी आपसे कि क्या क्या लेके आई हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और गाइस पूरा देखा करें, तभी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। और चाय बनने के साथ मैं आप सभी को मेरी बाय 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 बाय। आराम से बैठ के चाय पियेंगे।